हेलो दोस्तों, हमारा पूरा काम फाइनल हो चुका है। दोस्तों आप फिनिशिंग वगैरह भी चेक कर सकते हैं, आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा। दोस्तों ये हमने वार्टिकल जो है 1.5 इंची स्क्वायर पैप में बनाया है, खुद अपने हाथ से बना के हमने लगाया है। बाकी आप रेलिंग वगैरह देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और कुछ हमारा रेलिंग का लुक इस तरीके से आता है। स्क्वायर ब्लस्टर वगैरह खड़े कर दिए हैं और ये आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये हमने वार्टिकल बना के लगाया है, 1.5 इंची स्क्वायर पैप लगाया है दोस्तों। और जो मटेरियल की बात करें दोस्तों, इसमें हमने मटेरियल जो यूज़ किया है रामसन कंपनी का हमने यूज़ किया है। आपको दिखाते हैं पूरी रेलिंग किस तरीके से हमने रेलिंग लगाई है और सुराख वगैरह करें। दोस्तों एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, चौकोर सुराख कर देते हैं, दोस्तों हमने चौकोर स्क्वायर सुराख रखे हैं और स्क्वायर सुराख जो है टायर वाले ब्लेड से करते हैं। और ये देखिए आप, इसमें पूरा सही तरीके से आ जाएगा और बाकी कटिंग वटिंग का भी निशान नहीं लगता है। और जो मटेरियल की बात करें दोस्तों, ये हमने रामसन कंपनी का ये मटेरियल यूज़ किया है, रामसन जिंदल JSL का है, स्टेनलेस स्टील। अगर आपको कभी भी स्टील वर्क का काम कराना चाहते हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। और हमारी दुकान है मरिया चौराहा मंडी गेट के बरा में, जस्ट न्यू मंडी गेट पीलीभीत रोड। किसी भी भाई को अगर कोई भी स्टील वर्क का काम कराना चाहते हैं, एक बार जरा संपर्क जरूर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये आप फिनिशिंग वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं और मास्टर प्लान वगैरह में फिनिशिंग भी देखिए आप। दोस्तों ये पूरी रेलिंग आप पूरी फाइनल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे करके हमने रेलिंग लगाई है। जो दोस्तों ये मास्टर प्लान वगैरह रहता है, हम लोग पहले इसमें चादर लगा देते हैं, चादर में फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं कि आपको इसमें फील नहीं होगा कि कहीं यहाँ पर हमने बेल्टिंग कैसे करी है कैसे नहीं करी है इसमें। और जो मास्टर प्लान के दोस्तों ये देखिए चौकोर स्क्वायर सुराख कर दिए हमने, सारे सारी रेलिंग हमारी अभी यहाँ तक लग चुकी है, ब्लेस्टर वगैरह हमने खड़े कर चुके हैं। अब पूरा काम फाइनली होने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने रेलिंग लगाई, किस तरीके से कटिंग की। ये देखिए दोस्तों अभी हॉल वगैरह हमारे यहाँ से हो चुके हैं और आपको पूरा रेलिंग का व्यू दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने काम किया है। तो अभी देख सकते हैं हमने यहाँ तक पूरी रेलिंग लगा दी है। ये देखिए मास्टर का हमने बढ़िया करके बंद कर दिया, चादर अंदर लगा दिए। अभी हमारी पूरी टॉप खड़ी हो चुकी है, पूरी रेलिंग खड़ी करके आपको दिखाएंगे। अभी हमने यहाँ तक देखिए वर्टिकल वगैरह सारे खड़े कर दिए हैं। आप देखिए 3 इंची स्क्वायर पैप है, बाकी हमने चादर वगैरह जो है पहले लगा के लिए आते हैं शॉप से अपनी। आप देखिए दोस्तों कितनी फिनिशिंग भी आती होगी और आपको कुछ फील होगा। जिसमें हमने मटेरियल यूज़ किया है दोस्तों, रामसन का मटेरियल यूज़ किया है और मटेरियल बहुत बढ़िया आता है। ये देखिए जिंदल स्टेनलेस स्टील्स। ये देखिए दोस्तों अभी हमने पूरी टॉप वगैरह खड़ी कर दी है इसमें। आई होप आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ऐसे ही देखते रहें हमारे चैनल राजा स्टील फैब्रिकेशन को। ये देखिए पूरा अभी यहाँ तक टॉप वगैरह हमने लगा दिए, बाकी पूरी फिनिशिंग का जो काम होगा तो एक बार दिखाएंगे आपको। ये देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों हमने इसमें दीवार में सुधार करके बेस भी लगा दिए, बाकी इसमें वाइट सीमेंट जो ग्राउंड रहता है वो रंगे बजे करके इसे छिपा देंगे।
अभी हमारे दोस्तों पूरा ये देखिए पूरा काम यहाँ तक का हो चुका है और कुछ हमने पैप इस तरीके से लगा दिए हैं और बाकी फिनिशिंग वगैरह जो करेंगे फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने काम किया है। अब हम आगे का काम इधर का पैप लगाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ तक लगा चुके हैं दोस्त, ये देखिए रेलिंग, अभी हमने यहाँ तक कुछ रेलिंग इस तरीके से लगा दी है। ये देखिए ये हमारे दोस्तों हमने भी यहाँ तक पाइप जो है रेलिंग पूरी लगा रखी है। जो देखिए अभी हमारी यहाँ तक लग चुकी है रेलिंग का काम, हमारा यहाँ तक पूरा हो चुका है। बाकी दिखाते हैं आपको पूरा निकलने के बाद। हेलो दोस्तों, हमारा पूरा काम फाइनल हो चुका है। दोस्तों आप फिनिशिंग वगैरह भी चेक कर सकते हैं, आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा। दोस्तों ये हमने वर्टिकल जो है 1.5 इंची स्क्वायर पैप में बनाया है, खुद अपने हाथ से बना के हमने लगाया है। बाकी आप रेलिंग वगैरह देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और कुछ हमारा रेलिंग का लुक इस तरीके से आता है स्क्वायर पैप में। ये देखिए दोस्तों बाकी फिनिशिंग, आप चमक देखिए चमक, पाइप तो ऐसा है दोस्तों ये आईना होता है जैसे कि। ये देखिए दोस्तों पूरा हमारा काम फाइनल प्रॉपर सही तरीके से हो चुका है। अगर किसी भी भाई को रेलिंग वगैरह लगानी है तो एक बार हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी दुकान है अमरिया चौराहा, जस्ट न्यू मंडी गेट के बराबर में। बाकी आप फाइनल ये देखिए दोस्तों हमने ये मास्टर प्लर जो लगाया है 3 इंची स्क्वायर पैप है, ये वॉल लगाई है इसमें हमने 4 इंची की, और ये 1.5 इंची स्क्वायर पैप को हमने इस तरीके से करके ऐसे करके बैंड करके लगा दिया है। असल में क्या रहता है, अगर बहुत से लोग क्या करते हैं ऐसे डायरेक्ट लगा देते हैं तो डायरेक्ट लगाने में तो पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, और इस तरीके से जैसे हम लगा देते हैं तो देखने में भी थोड़ा लुकिंग भाई अच्छा लगता है। और पाइप जो रहता है पाइप की सीट में आना चाहिए। अगर आप कभी भी रेलिंग लगवाएं किसी से भी लगवाएं तो पाइप की जो है लाइनिंग देखें और लाइन जो है आमने सामने आना चाहिए। बहुत सी जगह ऐसा रहता है जहां नहीं आ पाती है, वो तो चलो एक मजबूरी बन जाती है बंदे की करने की। ज़्यादातर तो आप कोशिश जो करें वो लाइन को जो है आमने सामने ही करें। और आप फिनिशिंग वगैरह भी देख सकते हैं दोस्तों, चमक चमक देखिए दोस्तों। हमने इसमें चादर लगाई है स्क्वायर पैप में, 3x3 का स्क्वायर पैप है। और ये पाइप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये पाइप जो है हमारा 1.5 इंची स्क्वायर पैप, और ये टॉप का जो हमारा पैप है 1.5 इंची स्क्वायर पैप है। हमने जो इसमें पैप यूज़ करें आधा बाई 1 के यूज़ करें, और मास्टर प्लर जो यूज़ करा है 3 इंची स्क्वायर पैप में। और मटेरियल की बात करें दोस्तों तो इसमें मटेरियल हमने यूज़ करा है 202 रामसंस कंपनी का यूज़ किया है। बाकी आप फिनिशिंग वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और कटिंग की दोस्तों बात करें, दोस्तों हम इस तरीके से जो है कटिंग वगैरह कर देते हैं, और इसकी टाइल्स वगैरह वो तो मैंने आपको दिखाया ही था कि किस तरीके से हम तो चौकोर सुराख कर देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं टुकड़ा वगैरह लगा देते हैं, उसमें क्या रहता है दोस्तों अगर आप टुकड़ा लगा देंगे तो कहीं आपको वर्टिकल लेबल करना पड़ता है, तो उससे क्या रहता है लेबल नहीं हो पाता और बेस जो कटोरी है इसकी रहती है वो ऊपर उड़ जाती है। बाद में जो रहता है जो गैपिंग वगैरह आती है इसमें अच्छी तरीके से आप वाइट सीमेंट या जो भी ग्राउट वगैरह रहता है वो आप भर देंगे, तो उससे जो है फिनिशिंग भी आपकी बढ़िया रहेगी और क्वालिटी भी रेलिंग में दिखेगी। और बाकी आप रेलिंग का लुक वगैरह भी देख सकते हैं। किसी भी भाई को अगर एक बार भी रेलिंग लगवाना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8057180316। हमारी दुकान है रजा स्टील। दोस्तों आप यहाँ की कुछ लुकिंग इस तरीके से दिखती है देखने में। दोस्तों हमने जिस तरीके से सामने जो देखिए आप, हमने जहाँ जैसे ऊपर लगाया वैसे ही नीचे बनाया। बाकी हमने जो पाइप को जो है हमने यहाँ से बैंड कर दिया। बाकी आपको जोड़ वगैरह भी देख सकते हैं, कहीं दिखेगा नहीं फिलिंग, जो आपको फिनिशिंग दिखेगी ऐसी कि आपने ऐसी फिनिशिंग शायद नहीं दिखोगे। आप कभी किसी से बैंडिंग वाले से काम कराएं तो ये जोड़ वगैरह जो है यहाँ के जितने भी रहते हैं आप इसको अच्छी तरीके से भरवा लें। भरवाने से दोस्तों ऐसा रहता है थोड़ी फिनिशिंग वगैरह आ जाती है रेलिंग में, और कुछ लुकिंग भी आप देखने में भी अच्छी लगती है देखने में। अभी हमने इसमें रेलिंग जो देखी आप पूरे सारे स्क्वायर पैप लगा दिए हैं। और कॉस्ट की बात करें दोस्तों, इसमें हमारी कॉस्ट आई है 52,700 रुपये की, और ये रेलिंग हमने 202 ग्रेड में लगाई है। जिस भी भाई को अगर रेलिंग लगवानी है एक बार संपर्क जरूर करें। और कुछ हमने यहाँ से जो वैंड बना दिया है दोस्तों, इसको यहाँ से आप फिनिशिंग वगैरह भी देख सकते हैं। और जो मटेरियल हमने यूज़ किया है 18 गेज,
18 गेज का दोस्तों इसमें मटेरियल लगाया हमने, और पौन आधा बाई एक का जो पाइप आप देख रहे हैं इस समय, जो आधा इंची बाई एक इंची का जो हमने पाइप लगाया है, ये हमने ये भी 18 गेज का ही यूज़ किया है दोस्तों इसमें। और जो वर्टिकल वगैरह जो है हमने ये भी 18 गेज की थिकनेस में इसको बनाया है, खुद अपने हाथ से बना के दोस्तों लगाया। असल में रेडीमेड आते हैं लोग लगा देते हैं वो, उसमें वेल्डिंग वेल्डिंग करने में फिनिशिंग नहीं आती है दोस्तों उसमें। आप पूरी रेलिंग का व्यू देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ से बैंड इस तरीके से ले लिया है। और जो दोस्तों इसमें जो पत्थर लगाया इस समय, जो ग्रेनाइट पत्थर लगाया है भैया ने, ये देखिए आप फील फिनिशिंग, आप मटेरियल देखिए दोस्तों इसमें। आप मोबाइल लिखता होगा आपको, देखिए रामसंस कंपनी का जिंदल JSL का पैप है। अगर आप अंदर लगाना चाहते हैं इंडोर में दोस्तों, आप इंडोर में जो आप पाइप लगाएं वो 202 का लगाएं। आउटडोर में अगर आप स्टील यूज़ करना चाहते हैं तो 304 का इसमें स्टील यूज़ करें। बेसिकली इसमें 3 ग्रेड आते हैं, 304 ग्रेड, 202 ग्रेड, 316 ग्रेड। अगर आप 316 ग्रेड में रेलिंग लगाएंगे तो करीब आपकी ये रेलिंग बैठेगी करीब 1.5 लाख रुपए की समथिंग बैठेगी। अगर आप 304 में लगाएंगे तो 1 लाख रुपए की आपका जो है इतनी रेलिंग लगा सकते हैं। जो रेलिंग हमारी बैठ रही है करीब 95 फुट दोस्तों रेलिंग इस समय बैठ रही है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, जैसे मैंने नीचे बनाया था सेम, और वैसे ही डिट्टो इधर सामने बना दिया है दोस्तों, वैसे ही देखने में, क्योंकि एक सही लगना चाहिए, जैसी जगह होती है तो उसके हिसाब से रेलिंग लगाने में फीलिंग भी कुछ अलग रहती है। ये देखिए दोस्तों, बाकी दोस्तों ये हमने इसमें बॉल और जो जैसी वहाँ लगाया है और वैसे ही इधर लगाया है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल रजा स्टील फैब्रिकेशन को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें दोस्तों। अगर आप ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसे ही स्टील से रिलेटेड, स्टील एल्युमिनियम से रिलेटेड हम आपको ऐसे ही वीडियो सेंड करते रहेंगे, आप देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।